इस काले कानून को कभी भी लागू नहीं होने देंगे। नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता। जी हाँ, झूठ की बिसात और सियासत की बाजी। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। मैं हूं जब्बार खान। आखिर वजह क्या है कि हंगामा इतना बरपा है? क्योंकि एक ऐसा कानून जिसकी बुनियाद 1950 या यूं कहें कि 1955 में पड़ी थी, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट किया गया और उसके बुनियाद पर किसी को आहत नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की मदद की जा रही है, तो फिर देश में इतना वावेला और इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? सवाल यह है किन तमाम चीजों के बीच में, तोड़फोड़ से लेकर के पब्लिक प्रॉपर्टीज के नुकसान पहुंचाने के मामले से लेकर के हंगामा इस कदर बरपा हुआ है कि जिसमें पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। मगर जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग इसे काला कानून बता रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने इस अमेंडमेंट को समझा है, इस कानून को समझा है? या जो लोग सड़कों पर हाथ में पत्थर और डंडे लेकर के उतर रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि यह कानून कैसा है, इस कानून से मुसलमानों को या हिंदुस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज को किस किस्म का खतरा है, तो फिर शायद वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ इमोशन का इस्तेमाल कुछ लोग या तो कर रहे हैं या तो वो बिना जाने समझे सड़कों पर उतर करके इस किस्म का हंगामा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, जिसे हम रिपोर्ट के जरिए भी दिखाएंगे। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, मगर मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, चर्चा पर चले, उससे पहले आइए निगाह इस रिपोर्ट पर डालते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक कानून जिसके खिलाफ दिल्ली के साथ देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पत्थरबाजी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है और विरोध की आड़ में सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। CAA को लेकर सवाल उठा रहे लोग कहने को तो अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल हालात कुछ और ही कहते हैं। आज जिस कानून के खिलाफ एक खास तबका सड़कों पर उतर आया है, उस कानून के बारे में खुद उस खास तबके को कितनी जानकारी है, जरा ये भी सुनिए। ये गलत है, गलत तरीके से इन्होंने ये CAB लागू किया है। सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके इन्होंने टारगेट किया है, धर्म के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, जबकि असम में जो इन्होंने NRC लागू की है उसमें लगभग 5.5 लाख के समथिंग बंगाली हिंदू और 5 लाख के समथिंग मुस्लिम है। तो इन्होंने जो NRC का बिल ये लागू किया है, उससे उन बंगाली हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी, जबकि मुस्लिमों को ऐसा नहीं होगा। नागरिकता कानून पर बवाल इसलिए है कि जो जब वो हर एक वर्ग के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी देनी चाहिए, उनका भी तो हक है, जितना हक उन लोगों का है उतना ही हक मुसलमानों का है। CAB के मुद्दे पर या NRC के मुद्दे पर वो खुलेआम ये बात कहते हैं और ये रखते हैं कि मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य जो भी धर्म के लोग हैं उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हें हम नागरिकता देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये खौफ रहता है, हमें ये डर सताता है कि हम हिंदुस्तान में दोयम दर्जे का नागरिक तो नहीं बनाने जा रहे हैं। इन बयानों से जाहिर है कि जिस समुदाय को बहाना बनाकर उनके नाम के सहारे सियासत की बाजी खेली जा रही है, उनको खुद कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं। सियासी खिलाड़ियों ने उनके जहन में जहर भर दिया है और बोल दिया गया है कि कानून उनके खिलाफ है। यकीन न हो तो ये भी सुनिए। ये भारत में धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार का उससे उसको अलग नहीं रखा जाएगा। ये हमारा मूल सिद्धांत है, या धर्म के आधार पर
जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये हमारा जन्म से अधिकार है। और हम वो सब लोग जो इस भारत के संविधान को मानते हैं, वो इस काले कानून को कभी भी लागू नहीं होने देंगे। कानून को बंटवारे की पहचान बताकर सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, कानून के बहाने निशाने लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता पर सवाल नहीं उठता। नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि कानून किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष कानून के बहाने सियासी निशाने लगा रहा है। लेकिन सियासत शायद सिर्फ अपना फायदा समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो काला कानून बताने से लेकर के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, मगर आइए आपको दिखाते हैं R9 टीवी की वो सवाल जिसकी बुनियाद पर हम इस चर्चा को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिमों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर गलत जानकारी कौन दे रहा है, किसने दी? दूसरा सवाल, क्या सियासत के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके इमोशन को भड़काया जा रहा है? साथ ही साथ में मुसलमानों तक CAA की सही जानकारी पहुंचाने का जिम्मा किसका है, और ऐसे में हिंसक प्रदर्शन से मुसलमान किसका नुकसान कर रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर के हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या विपक्ष CAA के नाम पर अपनी सियासत चमका रहा है? हमारे साथ हमारे खास पैनल्स में इस वक्त कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ दिनेश सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में मनोज तिवारी जी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की लाइन रखेंगे कि आखिर कांग्रेस इतना भय क्यों दिखा रही है। साथ में विश्वेंद्र सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस तमाम चीजों के पीछे के परते खोलने का काम करेंगे। साथ ही साथ में प्रेम कुमार जी जो बताएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों में सियासत आखिर कर कौन रहा है। सत्ता पक्ष ने कानून बनाया, विपक्ष इसका विरोध कर रहा, मगर ये सड़कों पर हंगामे और पत्थरबाजी के बीच में खून खराबा की उधर। पवन सोम जी हमारे साथ में एडवोकेट हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, ऐसे में बताएंगे कि क्या इन तमाम चीजों के बीच में जब कानून का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है इस कानून को बनाने को लेकर के, तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फायदा क्या होगा और उसका हासिल वहां पर क्या देखने को मिलेगा। TMC के प्रवक्ता हमारे साथ में दिलीप पाठक जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। चुके सबसे ज्यादा विरोध अगर देखा जाए या तेवर अगर देखा जाए तो TMC और TMC के मुखिया की तरफ से ही इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये आप पर आरोप अगर लग रहा है कि आप जानबूझ करके मुसलमानों के इमोशन का इस्तेमाल करके सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, पहले कानून तो समझ लीजिए, कानून को समझा नहीं और गलत जानकारी पहुंचा करके ये सारा हंगामा आप पैदा कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। दिलीप पाठक जी, आपको आवाज आ रही है सर? दिलीप पाठक जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि दिलीप जी तक आवाज नहीं आ रही है, मगर अब ऐसे में मनोज तिवारी जी, गलत जानकारी देना कितना उचित है? क्या यह भ्रम फैलाने की स्थिति नहीं है? जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है तो फिर इसे उस नजरिए से, उस हिसाब से क्यों परोसा जा रहा है, खासतौर पर मुसलमानों के बीच में? जब्बार जी, प्रश्न भी आप ही के, जवाब भी आप ही के। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस के स्टैंड को तो मुझे लगता है कि आपने समझा ही नहीं। पहले ही दिन से, जब से यह विधेयक का मामला चल रहा है, कांग्रेस ने स्पष्ट बोला है कि कांग्रेस का रवैया स्पष्ट है,
कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती और वो स्पष्ट बोलती है कि संविधान के मूल प्रावधान पर ये प्रहार है। हम ये कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को छोड़ करके और कुछ किसी भी धर्म का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। हम ये कहते हैं नागरिक यही तो बिंदु है। जब्बार भाई मेरी बात सुनिए, आप जिस बिंदु के आधार पर आप अपनी बातें परोस रहे हैं, आप जिस बिंदु के आधार पर अपनी बातें परोस रहे हैं, ये देखिए, मैं इसलिए टोकाटाकी कर रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता था। आपने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को नहीं समझा। सवाल ये कि आपने जिस स्टैंड को लेकर के इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक, क्या वो सही है? इस बिल का, इस कानून का जिस्ट क्या है? जब बार कि तीन देशों के माइनॉरिटीज के लिए जो कि गैर मुस्लिम है उनको सुविधा देने के लिए कानून बनाया जा रहा है। अब जब तो संविधान की खिलाफ वर्जी कहां हुई है? ये बताइए कि संविधान की खिलाफ वर्जी कहां हुई? मैं जवाब दूं अब? बिल्कुल सर। अब जरा तसल्ली बख्श मेरी बात सुनिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी इस सीएए के ऊपर जो है लोग हंगामा कर रहे हैं या लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के साथ देश के वो तमाम लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा कांग्रेस एज ए संगठन, कांग्रेस एक पार्टी के रूप में यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम चूंकि यह कानून जो है वो संविधान के मूल प्रारूप पर प्रहार है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। कैसे? सवाल यही तो है कि कैसे संविधान की आत्मा को ठेस कैसे ये कानून पहुंचा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं संविधान में स्पष्टता लिखा हुआ है कि नागरिकता को धर्म के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये धर्म के मूल प्रारूप के का उल्लंघन है। हम संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ में भारत को एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में मानते हैं। ठीक है, हम हमारी बात सुन लीजिए। और आप कहीं किसी को भी नागरिकता देने के लिए उसका आधार जो है धर्म तय करते हैं, तो हमने ये कहा तो कि धर्म के आधार पर नेहरू और लियाकत के उस पैक्ट को खारिज कर दीजिए, देने का फिर नेहरू लियाकत के उस पैक्ट को खारिज कर दीजिए जिसमें ये कहा गया था कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हमारा धर्म, बात पूरी नहीं करनी देनी। सर, आप बात अलग है, दूसरे नजरिए से पेश कर रहे हैं। पूछा, मैं आपकी बात का जवाब, आप उस पॉइंट पर नहीं आ रहे हो। मैं उसी पॉइंट पे हूँ। मैं तो आप खारिज कर रहे हैं नेहरू लियाकत के स्टैंड को। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मैंने स्पष्ट बोला कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि आपने जेनरिक बात कहकर धर्म के नाम पर राजनीति को, देखिए, नागरिकता को धर्म से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह संविधान के मूल धारा 14 दिनेश सिंह जी, ठीक है, किसका उल्लंघन? ठीक है, ठीक है, दिनेश सिंह जी आपको इसका जवाब देंगे, शायद उनकी बातें आपको समझ में आए। दिनेश सिंह जी, असल में क्या है जबार जी, आपने मनीष जी से पूछा कि क्या आप समझ पा रहे हैं। असल में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं समझ पा रही कि हो क्या रहा है। आप तो एंकर जरा एक शब्द मैंने मनीष जी बोला नहीं, एक शब्द आपको तकलीफ, एंकर बोला आपको तकलीफ, मैंने नहीं बोला ना अंकल, एंकर नहीं, आप चिप प्लीज एंकर या तो आप तय कर लीजिए। अगर तू तू मैं वाली डिबेट है तो अभी नहीं 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 नहीं, हां तो शांति से बैठिए। आप बिल्कुल त्यागत बात बोलिए, बिल्कुल, हां तो शांति से, आप नहीं तय करेंगे। बिल्कुल दूसरी चीज इनको समझ में नहीं आ रहा है जब्बार जी, हुआ क्या, समस्या क्या है इस देश में? राम मंदिर पर निर्णय आ गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस देश में कायम रह गया। ये पेट में दर्द किसको? सारी विपक्षी पार्टियों को। 370 35 से समाप्त हो गया, देश में भाईचारा कायम है। अरे कैसे हो गया? पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की। अरे अब अगर एक सीए बिल आया, कैद बिल को मंजूरी दी गई और दोनों सदनों में चर्चा करके, लोकसभा में भी चर्चा हुई, राज्यसभा में भी चर्चा हुई और बहुमत से पास होने के बाद ये बिल बना। बिल बनने के बाद अरे देश में शांति कैसे? इन्होंने देखा कि अरे एक दिन देश में शांति कैसे है, सब कुछ होता जा रहा है। ये वो क्या, ये क्या सिर्फ शांति के दुश्मन कांग्रेस पार्टी है? निश्चित तौर के हिसाब से इसलिए हंगामा हो रहा है जब्बार जी। ये मुस्लिम, ये मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं था थे तो उस समय डर दिखाते थे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपको खा जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन कर रही है और हम सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ, सिर्फ नारे के साथ नहीं, उसके काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो तर्क है कि संविधान की आत्मा को साइड रख करके इस कानून को, चूंकि धर्म के बुनियाद पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है, इसको मुद्दा बना करके वो अपनी चीजों को अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। मौका तो कहीं ना कहीं उनको मिला। जब्बार जी एक चीज है, अगर मान लीजिए कोई चीज, एक मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मनीष जी की बात मान लेता हूं कि कहीं भी संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ मान लीजिए जबकि हुआ, तो उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय गए ना,
इसका निर्णय कौन करेगा? आपको सर्वोच्च आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए, और कहीं से किसी भी मूल भावना का निरादर नहीं किया गया है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हित की बात कौन करेगा? उनके हित की बात कौन करेगा? वहां आज हिंदू 23% से 3% रह गए, इसकी चर्चा कभी कोई नहीं किया। अगर किसी भी देश से कोई हिंदू मुस्लिम, हिंदू बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी अगर वहां से प्रताड़ित किया जाएंगे तो उनको शरण देने का काम कौन करेगा? हिंदुस्तान ने हमेशा शरण देने का काम किया है, आज भी वही काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कांग्रेस पार्टी खुल के क्यों नहीं कहती है ठीक है इन तीनों देशों के सारे मुसलमानों को आप नागरिकता दीजिए, क्यों नहीं कहती है? सर जल्दी से, मनोज जी जल्दी से कोई रिस्पॉन्स जी, जल्दी से जब्बार जी, मैं इनकी बात का क्रमवार जवाब दे रहा हूं। पहला, इन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो गई और उसके बाद पास हो गया। मान्यवर, एक बात आप समझिए, किसी भी सदन में संख्या के बल पर कोई बिल पास करा लेना इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे देश के लोगों को आपसे सहमति है। आप 33% वोट प्रति लेके बहुमत का आंकड़ा बहुमत होता है वो एक देश से हो या किसी तरीके से हो, एक सेकंड, लोकसभा सभा को अधिकार है बहुमत के आधार पर किसी बोलने पर मैंने कुछ नहीं बोला। और आप मेरी आवाज दिनेश जी मनोज जी को सुनिए, आप 33% बहुत है, सत्ता नहीं होती है। नहीं तो आप कितने परसेंट है के खिलाफ? आप कितने परसेंट है? अरे 67% कभी आप पाए? कभी आप पाए 67% आप पाए? सुननी चाहिए, आप पाए? आप तो ये लोकसभा और राज्यसभा में कानून हमने पास करा, जब आप चर्चा करा के कानून बन गया देश के लोगों को मान लेना चाहिए। इसमें मुझे बताइए भाई, मैं इसमें मुझे बताइए आप सुनने देश के अल्पसंख्यकों का कहां नुकसान है बताइए? आप सुनना ही नहीं चाहते। अरे आप सुना ही गलत रहे हैं, आप बरगला रहे हैं। मैं बरगला रहा हूँ, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर फिर बरगला रहे हैं, बिल्कुल बरगला रहे हैं आप, पूरे देश बिल्कुल बरगला रहे हैं, पूरे देश को आप हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं। फिर आप पहले भी आप करते थे, आज भी आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। हाँ, पहले भी आप वही कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, आपका मुद्दा हमारा मुद्दा जब आप जी भूल गए कि आप देश के पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने कहा था देश के पहचान का पहला अधिकार मुसलमानों का है, हमेशा आपने हिंदू मुसलमान किया। देश के देश के अमर और चैन देश चमन को संविधान के मूल प्रारूप का उल्लंघन है, गड़बड़ मत करिए। हम ये करें, आप गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए साफ हो रहे हैं, इसीलिए आप साफ हो रहे हैं। मनोज जी, हो गई आपकी बात? मनोज जी आपने अपने बिंदु रख दिए, मैं आगे बढ़ू? नहीं, मैं ये बोल रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं। सर जल्दी से, सर जल्दी से, आप तू तो हमें के बीच में वो बहस का मुद्दा निकल गया। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया है बहुमत के आधार पर अगर सरकार उसको पास कराती है इसका मतलब ये नहीं होता है देश की समस्त जनता जो है उसको मान चुकी है। जो विरोध वो देश की आम जनता का विरोध है। ठीक है, ठीक है, सड़कों पर जो लोग उतर रहे हैं वो देश के आम लोग हैं। अरे सर, तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे तो 100% किसी सरकार को क्या बहुमत मिलता है? 35-40% ही बहुमत किसी भी एक पार्टी को मिलता है सरकार बनाने को लेकर के, ऐसे तो कभी कोई चीज हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है विश्वेंद्र जी, ठीक है, एक सेकंड सर, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, विश्वेंद्र जी की तरफ मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड सर, मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, सर आप ही दो लोग लगातार बोल रहे हैं, एक सेकंड, दिनेश जी, मनोज जी, एक सेकंड, सर एक सेकंड, मैं वक्त दूंगा आप दोनों को, मैं वक्त दूंगा विश्वेंद्र सिंह जी। सवाल ये है कि जानकारी जैसा कि आपने अपने उस पैकेज में, उस रिपोर्ट में दिखाया कि बहुत सारे लोग जो सड़कों पर हैं हाथों में पत्थर लेकर के या विरोध कर रहे हैं, उनको जानकारी ही नहीं, उनको क्या परोसा जा रहा है कि साहब मुसलमानों की नागरिकता को खतरा है। ये जो एक बात सामने आ रही है, आज आपको बताऊं कि बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर ने भी एक ट्वीट किया जिनके ऊपर एक आईपीएस अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, आइए गांधी अगस्त क्रांति मैदान में, यह प्रोटेस्ट लंबा चलना चाहिए। सवाल यह है कि उन्होंने क्या कानून को समझा है? जब ऐसे असर और रसूख वाले लोग इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर सवाल यह कि हिंसा ऐसे ही सड़कों पर भड़केगी, कौन कौन गुमराह? सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, विश्वेंद्र जी, बेहद ही जरूरी है आज देश की जो स्थिति है उसको समझना, क्योंकि देश में बहुत भारी नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई है। पिछले कई दिनों में देश का भारी नुकसान हो रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, भय का माहौल है, और हम इस बात को नहीं भूल सकते कि देश हमारा है, राजधर्म प्रथम है,
यहाँ पे ध्यान दें कि इस कानून से कहीं भी किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिक को, चाहे मुसलमान ही क्यों ना है, रत्ती भर भी नुकसान नहीं है। ये कानून जो नागरिकता संशोधन जो कानून बना है, इससे एक स्पष्ट है कि भारत बहुत विशाल हर जगह। सवाल ये कि मौका कैसे मिला विपक्षी दलों को या जो लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के लिए खतरा है, उनकी नागरिकता पर खतरा हो रहा है। देखो, ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। विपक्ष के पास पर हो सकता है कोई मुद्दा ना हो, वो मुद्दे अच्छे लेने चाहिए, ये मुद्दे बिल्कुल नहीं लेने चाहिए जिससे देश का नुकसान हो, इसको समझना चाहिए। मैं जब्बार भाई एक मिनट चाहूंगा, महत्वपूर्ण विषय है ये। देश में इस बिल पर, इस कानून पर स्पष्टता होनी चाहिए। जो हमारे दंगा विरोधी या उपद्रवी छात्र हैं या जो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं देश के, वो 10 में से 1 का डाटा आता है कि उसको समझ है इसकी। कल सीलमपुर का मामला था, चाहे जामिया का था, उनको नहीं पता है क्या है, क्या नुकसान है इससे। सच्चाई में देश के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं है, ये स्पष्ट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो सवाल ये है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर, प्रेम कुमार जी की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है सर, एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन कर रहा हूं। सर अभी जवाब देता हूं, ठीक है, जल्दी से बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूं, कोई छात्र उपद्रवी नहीं होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी जो है दुनिया के 10 सिर्फ यूनिवर्सिटी, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर ये तस्वीर ऐसी आए, बसों को जलाया जा रहा है, पब्लिक व्हीकल्स को जलाई जा रही है, वो कह रहा है छात्रों के जरिए उसमें असामाजिक तत्व भी घुसेंगे, होता है ऐसा विरोध प्रदर्शन के अंदर, पुलिस को बल का प्रयोग। मैं तिवारी जी, अपने अपने हित में देश का नुकसान न करें, अपने हित में पार्टी हित में देश का नुकसान न करें, देश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कौन हमारा युवा भाई छात्र है को बता रहा है, गुंडे छात्रों को, गुंडे तो किसी ने नहीं बताया, अगर उनको लगता है कि हमारी बौद्धिकता के आगे सारे सर, लोगों की, ये जरा सेकेंडरी बात है सर, इस पर मैं बात नहीं आऊंगा सर, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कीजिए, मुझे एक एक मिनट, एक एक बार सबके पास जाने दीजिए सर। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, विश्वेंद्र जी ने कहा, ठीक है, मनोज जी और भी ढेर सारे लोग हैं, सबके पास जाने दीजिए। जब्बार भाई एक जरूरी है, जल्दी से, सच्चाई है कि इसको मेरे भाई से निवेदन करता हूँ, तिवारी जी से भी, इसको समझे अच्छाई से, ये कानून को समझे, इसको क्लियर करें, ठीक है। तो तब समझदारी के सवाल को लेकर के प्रेम कुमार जी, सर एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, विश्वेंद्र जी ने कहा कि इसकी स्पष्टता नहीं हुई या जनता तक, लोगों तक, खास तौर पर मुसलमानों तक इसका स्पष्टीकरण पहुंचा नहीं सही तरीके से, इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने उनके इमोशन का इस्तेमाल किया। तो क्या ये सरकार की भी जिम्मेदारी उस स्तर पर नहीं बनती थी कि इस मामले में जो भ्रम फैलाया जा रहा है या फैलाए जाने की आशंका है, उसको लेकर के पहले से एक ऐसी क्लैरिटी रख दी जाए ताकि ये स्थिति आ ही ना सके। देखिए जब्बार जी, अभी दिनेश जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पहले 3 तलाक भी आया, 370 भी हुआ और भी दूसरी चीज़ें हुई, लेकिन विपक्ष शांति नहीं भंग कर पाया। तो यहीं से मैं बात उठाता हूं, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि शांति भंग होने लगी? तब विपक्ष की बात अगर लोग नहीं समझ रहे थे, तब सरकार अगर लोगों को अपनी बात समझा रही थी, तो अब ऐसा क्या हुआ, आज की परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई कि विपक्ष भड़का ले रहा है और सरकार समझ नहीं पा रही है? आज ऐसा क्यों हुआ कि पूरे देश के 23 यूनिवर्सिटीज़ में हजारों छात्र जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। देखिए, वास्तव में क्या NRC की ज़रूरत थी, क्या, क्षमा कीजिए, CAA जो नागरिकता कानून है, क्या इसकी जरूरत थी, क्या इसके बगैर काम चल सकता था या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे नोटबंदी एक आ गई थी, कोई जरूरत नहीं थी, ला दी गई, उसके दुष्परिणाम हम आज तक झेल रहे, इस नागरिकता कानून के बगैर भी उन तमाम लोगों को जिनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, नागरिकता दी जा सकती थी। हाँ, जो साल का है, पहले 11 साल वाली अवधि थी, अब 2014 मगर उस साल को आप अमेंडमेंट कर सकते थे। थोड़ा और तफसील से अगर देखें, अगर ये कानून, अगर ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, उसे कानूनी शक्ल दिया गया,
तो क्या ये ठीक है आपकी निगाह में हो सकता है कि प्राथमिकता इसके बजाय रेप के कानून को लेकर फांसी के सजा का प्रावधान उस पर होना चाहिए, दूसरी चीजें होनी चाहिए? प्राथमिकता की बात तो एक अलग है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लाया गया है संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास किया गया, उससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेजा गया, वहां से रिपोर्ट आई, उसी सारी प्रक्रिया को हाईलाइट करना चाहता था कि इसको लाने की जरूरत नहीं थी। हम सबको नागरिकता दे सकते थे, इसको लाए बगैर भी दे सकते थे, लेकिन इसको लाया गया तो वही क्लाउज, तीन देश, छह धर्म, मुसलमान रहित, ये क्लाउज। अब इसमें थोड़ा सा एक दो लाइन और ले लीजिए हमारा। एनआरसी जब आया था असम में, सबसे ज्यादा सबसे पहले विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय यूनिट ने, असम की भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया कि इसमें जो एनआरसी जो बना है, इसमें लिस्ट में जो लोग बाहर हुए हैं उसमें बहुत सारे जो लोकल हिंदू हैं वो लोग हैं जो यूपी और दूसरे जगहों से आए हैं, वो लोग की बात मानी जाए या बीजेपी ने विरोध किया, आला कमान की बात मानी जाए? लेकिन उस विरोध को, उस विरोध का जवाब ढूंढने में इनको वक्त लगा। उसके बाद एक फॉर्मूला निकाला गया जिसमें जो वो सारे हिंदू जो हैं अब शरणार्थी रहेंगे, वो घुसपैठिया नहीं कहलाएंगे, लेकिन जो मुस्लिम है वो घुसपैठिया कहलाएंगे। ये जवाब लेकर मैं दिनेश जी से जवाब लूंगा, लेकिन एक आखिल खान साहब हमारे साथ में भी है। आखिल जी, आम आदमी पार्टी इन तमाम चीजों के बीच में बहुत बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, हालांकि ओखला इलाके में, जामिया नगर इलाके में जो कुछ हुआ, आपके भी वहां के मौजूदा वक्त के विधायक अमानतुल्लाह खान का भी नाम अलग अलग तरीके से आता रहा है, और बात है कि उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ। सवाल यह कि इन तमाम चीजों के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ बैठकर तमाशा देखना है या फिर राजनीतिक रोटियां सेकना है? देखिए सर, मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एक मुहावरा है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इकन्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हजार रुपए की कोई वैल्यू नहीं। विदेशी नागरिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हमारे देश के लिए, और हमारे देश में जो इस वक्त परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थिति का बंटा ढार हो चुका है, जॉब्स खत्म हो चुके हैं, जो हमारी जीडीपी 4 पॉइंट के नजदीक आ गई है, और आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बोलते हैं जो उसके लिए 12% जीडीपी चाहिए। बताइए मुझे, आपको प्राथमिकता से दिक्कत है, इस वक्त इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? आपको प्रेम जी ने सही बोला कि कोई दिक्कत है या इस कानून से दिक्कत है? देखिए, डाइवर्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, जो ज्वलंत समस्याएं देश की उनको एड्रेस करने के बजाय, उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय आप ये बिल लेकर गए हैं जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन, और जो रियल समस्याएं देश की उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए। नहीं हटेगा ध्यान, क्योंकि वो समस्याएं जड़ के अंदर घुस चुकी हैं और देश के अंदर त्राही त्राही फैली हुई है। इस वक्त कितना जॉब का प्रॉब्लम है, लोग भूखे भी मर रहे हैं। आप ये बताइए, एक सरकार 5 साल तक बैठी रही, इस चीज को क्यों नहीं किया 5 साल पहले आपने? अगर मैं इस सब पर जवाब दिनेश जी से लूंगा, लेकिन देश आखिर साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? इस कानून से आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि आप बता रहे प्राथमिकता से दिक्कत है कि अभी दूसरी चीजें प्रायोरिटी में होनी चाहिए, उसके बजाय ये कानून लाया जा रहा है। बाकी आप जामिया की बात कर रहे हैं, आप सुनिए जामिया की बात। सर, इस पर तो क्लैरिटी रख दीजिए, आपको दिक्कत किस बात से, कानून से दिक्कत है या प्राथमिकता से दिक्कत है कि अभी इस कानून के लाने की जरूरत है? देखिए, कानून ठीक है, चीज होती है, पहले प्राथमिकता उसकी तय करनी चाहिए, तो 1000 काम आप इकट्ठे शुरू कर देंगे, पता चला जो 10 साल बाद बोलिए ना कि कानून से हमें कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे देश को बंटा? बोलिए ना कि आपको कानून से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साहब, एक बात बताता हूं मैं आपको, मैं आप जामिया की बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आप सुनिए आप जरा, जामिया के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जो अमित शाह जी ने बयान दिया मैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने यह किया कि ये सीए आ रहा है, अब इसके पीछे पीछे एनआरसी भी आएगा, पूरे देश में लागू होगा, और उस एनआरसी के अंदर कितनी ज्यादा विसंगतियां होंगी, 10 साल तक, 5 से 10 साल तक आप जो है करोड़ों करोड़ों खर्च करेंगे, पूरे देश को जो डिस्टर्ब करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चूहिया भी निकलेगी। आप किस तरीके से देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, देश की राजनीति को चला रहे हैं, और जो सोशल हमारा फैब्रिक है उसको कितना डैमेज कर रहे हैं, ये आप समझ नहीं रहे सर? आप जानबूझ के कर रहे हैं, ये एनआरसी के मामले में आपको पता है, सीए के मामले में आपको कोई एतराज नहीं, मैं यही समझो 5 साल की निल जनता यही समझे, तो ये इस तरह की बातें कर करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कोई एतराज नहीं है? कानून ये ठीक है ना, एनआरसी ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये प्रीएम्बल है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका अगेंस्ट में है, और 14 और 15 के अगेंस्ट में है, ये डिफीट हो जाएगा हर तरह से, ठीक है? बेस्ट जब मैं दिलीप पाटिल जी की तरफ आ जाऊं, उसके बाद दिनेश जी से एक साथ में जवाब दूंगा, ठीक है? देखिए, ठीक है सर, जब्बार साहब एक बार सुन लीजिए,
पूरे दुनिया में, देश में नहीं बात करूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से बॉम्बे, ये तो चल ही रहा है पूरे देश में, अभी पूरा विदेशों में भी पूरे सब जगह शुरू हो चुका है, ऑक्सफोर्ड, लंदन, आपका सर, किसी चीज का विरोध होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो चीज सिरे से खारिज की जाए, वो चीज गलत है। जामिया के अंदर जो विरोध घर में विरोध विरोध मारा है, कितने छोटे स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर हो, स्टूडेंट को, लड़कियों को नहीं छोड़ा आपने, बच्चों को नहीं छोड़ा, किसका दूसरा पहलू, शर्मनाक इस मुद्दे का वो एक दूसरा पहलू है कि वो कितना उचित था लाठीचार्ज करना, उसकी धज्जियां उड़ा दी डेमोक्रेसी की, धज्जियां आंसू गैस छोड़ना, ठीक है, अभी पूरे विदेशों में हमारी क्या क्या हंसी उड़ रही है कि ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी को अपना दिलीप पाठक जी, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया है, ठीक है सर, दुनिया की, दिलीप पाठक जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत ही आपसे करना चाह रहा था सर, आकल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, दिलीप पाठक जी आपको आवाज आ रही है सर, दिलीप पाठक जी आप सुन पा रहे हैं जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत ही आज आपसे करना चाह रहा था मगर उस वक्त आप तक आवाज नहीं पहुंची, मेरा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से आंखें बंद करके विरोध करना और यह तेवर अपनाना कि कुछ भी हो जाए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, इस कानून को पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देंगे, क्या इस कानून की जानकारी आप सही तौर पर आपने प्रदर्शनकारियों को पहुंचाई है जो लोग विरोध कर रहे हैं, या जानबूझ करके सही जानकारी पहुंचाना ही नहीं चाहते? देखिए भाई साहब एक चीज तो आपको आपको हम बता दें, आप मेरी बात सुनेंगे और मैं चाहेंगे कि सभी लोग थोड़ा धैर्य से सुने, हमने लोकतांत्रिक तरीके से सांसद में राज्यसभा में इसका विरोध किया, रही बात जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इतिहास भाजपा का रहा है, अभी कल ही जो चीजें ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, लखनऊ के 200 भाजपा के विधायक इस एक्ट के विरोध में धरने में बैठ गए थे राज्यसभा में, तो पहले अपनी पार्टी में देखे ना कि ये लोग कितना विरोध कर रहे हैं इसका, आखिर ये लोग भी तो विरोध कर रहे हैं। अरे दिलीप पाठक जी, दिलीप पाठक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की यूपी यूनिट में क्या चल रहा है उस पर आज मेरी चर्चा का विषय नहीं है, जानकार विधायक राज्यसभा में बैठ जाएंगे। दिनेश जी चलिए, हो सकता है वो शब्दों का चुनाव या उन्होंने कुछ, मेरा सवाल ये है कि ठीक है बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे, सवाल ये है कि क्या टीएमसी ने बंगाल के अंदर मुसलमानों को सही जानकारी दी, उसकी बुनियाद पर सड़कों पर उतारा? नहीं, ये आप प्रश्न ही आपका गलत है, ये जानकारी, अरे सर आपको सूट नहीं करे तो प्रश्न गलत है, और केवल एक वर्ग इसका विरोध नहीं कर रहा है, सारे वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं, सारे युवा इसका विरोध कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप एकदम जिस चीज की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप हो सकता था, आपको ताकत दिया है, आपको राष्ट्र ने ताकत दिया है, आप लोकतांत्रिक तरीके से चुन गया है तो आपको अच्छे काम करना चाहिए, नोटबंदी और जीएसटी इनका सबको भी, सर आप सारी बातें कर रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर जो मेरा सवाल है उस पर स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे, धर्मवीर जी ठीक है मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, धर्मवीर चौधरी जी ठीक है, बीएसपी नेता प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ में, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, अखिल साहब और दिलीप पाठक जी, धर्मवीर साहब ये स्पष्टीकरण जो कि जनता तक होना चाहिए, मुसलमानों तक होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि इस कानून की वजह से उनकी नागरिकता जाने वाली है, ऐसा भ्रम फैलाया गया है, इसमें बीएसपी भी तो आगे आगे है। आज बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला और ये जो गैर कानूनी कानून ये बीजेपी की सरकार लेकर के आई है, ये धर्म के आधार पर विभाजन करता है, ये कानून, हमारी मांग है कि ये कानून वापस होना चाहिए और ऐसे जाति और धर्म के आधार पर जो कानून देश में बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 21 का खुला उल्लंघन है, 14 का खुला उल्लंघन है, बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी विचारधारा में विश्वास नहीं करती। अरे सर मेरा सवाल वो था ही नहीं, जिस बुनियाद पर आप विरोध कर रहे हैं, मेरा सवाल ये कि क्या उस बुनियाद को जनता तक पहुंचाया गया कि साहब इस वजह से मुसलमानों की नागरिकता खतरे में है, ऐसा तो नहीं है ना जब्बार भाई, जब 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 आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश को संघ की शाखा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये तो पूरे देश जनमानस को पता है कि आज मुसलमानों की स्थिति, बीजेपी डंडा लेकर के मुसलमानों के पीछे घूम रही है, एन केन प्रकरण जो है वो मुसलमानों को फंसाने की बात कर रही है, लौजिकल, और जाति धर्म के आधार पर ये बंटवारे की बात कर रहे हैं,
1925 में सावरकर ने जिस हिंदुत्व की बात को रखा था, आज ये उसके पोषक बन गए हैं। और इनको इनको देश की कानून व्यवस्था कुछ भी हो, हर पार्टी का, हर पार्टी का, जो है हर संगठन का अपना एजेंडा होता है। कांग्रेस के अपने हैं, बीएसपी के अपने हैं, सपा के अपने हैं, सबके अपने हैं। इनका ये एजेंडा चलना नहीं देंगे। वो जिस बात का वादा करके चुनावी मैदान में उतरते हैं वो उसको पूरा करते हैं। जिस बात का, जिस बात का आपको आपको उसी वक्त सवाल उठाना चाहिए था कि नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून पास कराया जाएगा और ऐसे में एक पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। ठीक है, भेद करते हो ऐसे कानून। पुलिस पुलिस जाकर के हॉस्टल के और ये लाइब्रेरी के अंदर मैं आपको करवा रहा हूं। मैं पवन सोमनी की तरफ चला जाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल का सितना सा है, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को तीनों देशों के अंदर जो पीड़ा झेलनी पड़ रही है उसके बुनियाद पर भारत उनको नागरिकता दे रहा है, जो शरणार्थी है उनके लिए। अब इस कानून को लेकर के अलग अलग नजरिए से प्रोपगेट मत कीजिए, मत कीजिए सर, सर मत कीजिए। कानूनी एतबार से कहीं दुरुस्त है तो कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि जब सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पर अगर ये बातें रखेंगे तो सवाल फिर इस किस्म के आएंगे जिसके जवाब तो देने होंगे। पवन सोम जी, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। सर सर ऐसे हाईजैक मत कीजिए, सर ऐसे हाईजैक मत कीजिए इस चर्चा को। पवन सोम जी, सवाल इस बात का है कि जब कानून के खिलाफ वर्जी नहीं हुई, संविधान के खिलाफ वर्जी नहीं हुई, पार्लियामेंट की परंपरा के मर्यादाओं को ताक पर नहीं रखा गया, जो नियम है उसकी बुनियाद पर सारी चीजें की गई, हवाला 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 वो बुनियाद है जो नेहरू और लियाकत के बीच में पैक्ट हुआ था, हवाला वो बुनियाद है 1955 का जो एक्ट कहता है। तो फिर कानूनी एतबार से जिस कानून का सहारा लेकर के इसके विरोध की बातें की जा रही है, क्या वो ठीक है? एक सेकंड सर, मैं आप दोनों की तरफ आ रहा हूं। सर पवन सोम जी, सर पवन सोम आपका नाम नहीं है, सर पवन सोम आपका नाम नहीं है, सर सर आकिल साहब, आकिल साहब, आकिल साहब, आकिल साहब, आकिल साहब, धर्मवीर जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा पूरा आपकी बात रखने के लिए, सुनने के लिए। एक सेकंड सर, सर एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। पवन सोम जी, जी सबसे पहले जब्बार भाई, इसमें हमें ये एक चीज देखनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसा पिछले बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे आप देखेंगे कि जब श्रीलंका में सिविल वार हुआ था उस वक्त, जब युगांडा की समस्या आई थी उस वक्त भी, और अन्य जब बांग्लादेश का जब आपका फ्रीडम मूवमेंट था तब भी, और कई प्रकरणों में और कई बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि जब शरणार्थी समस्या का हमें सामना करना पड़ा इस देश में। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब जब इस तरह की समस्याएं देश में आती हैं तो उस वक्त की जो मौजूदा सरकारें हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ कानून और जो आपके देश के हित में होता है उस तरह कानून बनाती हैं। ठीक है, और ये जो राइट है ये उसको डीपीएसपी से मिलता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल तत्व है। डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी कहता है कि आप कोई भी स्टेट पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन वो स्टेट की जो पॉलिसी है वो आपके देश के हित में होना चाहिए और वो आपके सभी वर्गों को उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो यहां अनेकों बार इस तरह की पॉलिसीज बनी हैं जिसमें अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग तरह से फैसिलिटेट देश में किया गया है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो ये नागरिकता कानून है ये एक तरह से लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। यहां किसी तरह से किसी की भी धर्म की नागरिकता इस कानून के आ जाने से जाने वाली नहीं, छीनने वाली नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जिस तरह से हम लोग यहां पर सारी पार्टियां आज की तारीख में ये कह रही हैं कि साहब इससे मुसलमानों को ये हो जाएगा उससे मुसलमानों को, इस नागरिकता कानून को मैं कानूनी तौर पर ये बता देना चाहता हूं कि यहां ये एक तरह का एक्सपेंशन है। जब हम लोग कोई ओब्टेन करना चाहते हैं किसी देश की नागरिकता तो उसमें ये कानून जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसे कम नहीं कर रहा किसी भी तरह से। तो ये चीजें आखिर इस अंदाज में समझाई क्यों नहीं जा रही? मैं बताता हूं, क्योंकि अब जैसे मान लिया हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट है, लेकिन वहां पर भी ये देखा जाएगा कि क्या इस समस्या की वैधानिकता क्या है, वैलिडिटी क्या है, और वैलिडिटी जो है वो क्या किसी को प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है इससे। अगर इससे किसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है तो वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इस वजह से ये वहां चैलेंज होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे में मैं मनोज तिवारी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में मैं दिनेश जी की तरफ जाऊंगा। मनोज जी, मसला ये है कि इन तमाम चीजों के बीच में ये सारा, इसे में शायद प्रोपेगेंडा शब्द आप लोगों को थोड़ा सा इससे आपत्ति हो, अगर ये शब्द इस्तेमाल किया जाए तो इसमें गलत क्या है? क्या
जब इससे इस कानून से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, इस कानून के बुनियाद पर किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं, अमित शाह ने खुद एक ट्वीट किया कि एनआरसी को लेकर के या इस कानून को लेकर के किसी किस्म का कोई खतरा किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, एनआरसी लागू होगी मुसलमानों के लिए, उसका अलग से हम एक प्रावधान भी करेंगे, एक अलग से उसको देखेंगे और समझेंगे। मेरा सवाल ये, इसको बुनियाद बना करके सड़कों पर आप लोग उतार रहे, आप ही के मौजूदा वक्त के जो पिछली बार आपने ओखला विधानसभा से जिसको टिकट दिया था आसिफ मोहम्मद खान को, उनके खिलाफ में दंगा भड़काने का उनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उनके कार्यकर्ता उनके साथ में इस दंगा भड़काने में शामिल थे, एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है। तो सवाल यह कि आप लोग इससे मुद्दा बना करके लोगों को सड़कों पर उतार करके एक ऐसे हंगामे खेज स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसके बुनियाद पर चारों तरफ हंगामा रहे। अब मैं इसका जवाब दूं, मैं आपसे भी आ रहा हूं मनोज जी से मैं आपको इसका जवाब देता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो ये एक्सप्लेनेशन है वही गलत तथ्यों पर आधारित है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, देश का चौथा स्तंभ है आप, और देश के चौथे स्तंभ के सुनिए मेरी बात, बताइए ना कहां से गलत है। मैं वही कह रहा, आपके हर बिंदु पर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आपको मुतमईन में कर, बताइए ना सर, आप जेनेरिक तौर पर ऐसे कह देते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन ही गलत है, ये बात तो ठीक नहीं है, टारगेट कर रहे हैं और हम दल के तरफ से जवाब दे रहे हैं, उसको सुनिए तो बताइए ना सर, मैं आप सवाल को गलत क्यों ठहरा रहे हैं। जामिया मिलिया इसलिए ठहरा रहा हूं कि आप एक दलीय हो गए हैं, जामिया मिलिया बड़ा आसान है ऐसा आरोप लगा देना, लेकिन जवाब दीजिए। जब्बार साहब सुनिए जी, जामिया मिलिया के छात्र किसी दल के नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र किसी दल के नहीं है, आसिफ मोहम्मद खान क्या किस छात्र हैं? अरे सुन लीजिए, आसिफ मोहम्मद खान आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं है? समस्या पता है उनका नाम एफआईआर में आया या नहीं आया? मेरी बात को सुन लीजिए, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा, उसके बाद दिनेश जी से आप जवाब लीजिएगा। सबसे पहले तो ये मुद्दा है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि दल ने लोगों को सड़क पर लाया है, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत से ऐसे दल है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एलाइज ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। मैं आपको बताता हूं, बिहार में नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा है कि सीए हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। असम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यसभा में सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके उनके एलाइज जो है वह स्पष्ट बोल रहे हैं कि सीए में दोष है और सीए को हम लागू नहीं होने देंगे। अब सवाल आता है, ये तो दल की बात हो गई, जिससे मैंने आपको बताया कि ये किसी एक दल का मसला नहीं है, ये तमाम वैसे लोगों का मसला है जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो दल भी इसका विरोध कर रही है, विरोध के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। अब मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बात लेकर नहीं कर रहा हूँ, सवाल चूंकि कांग्रेस पार्टी पर उठेगा तो आप प्रवक्ता के तौर पर है, जवाब तो आपसे ही लूंगा ना। विरोध का मतलब ये होता है उकसाना, अरे विरोध लोकतंत्र का गहना है, हम विरोध कर रहे हैं हम अपनी सोच के आधार पर, हमारी सोच को आप परिभाषित कीजिए। हमने आपको स्पष्ट बोला है, भारतीय जनता पार्टी को आपके लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, छह वर्षों में कभी आपने जीएसटी पर चर्चा किया है क्या? कभी बेरोजगारी पर चर्चा किया है क्या? बहुत कभी किया महिलाओं के अत्याचार पर चर्चा किया है क्या आपने? सर आप उन चीजों में क्यों जा रहे हैं? अब आप डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आप नई टीवी किस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। बात कह रहा हूं कि आपको तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि देश में लोकतंत्र की जीवंतता देखिए कि बहुत सारे लोग सड़क पर उतर कर अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो आप उसको दलीय बना देते हैं। हम तो बार बार कौन दलिए बना रहा है कि कौन दलिए बना रहा है? लोगों ने सर जब दंगा भड़का, कानून गलत है, पुलिसिया कार्रवाई गलत हो रही है, सुनिए ना, आप इस बात को बताइए। मैं बताता हूँ, मैं आपके ऊपर इसलिए सख्ती से पूछ रहा हूँ, आपके पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व है। जवाब देता हूँ, सुन लीजिए जब्बार भाई, मैं कह रहा हूँ कोई आंदोलनकारी है, शुरुआती दिनों से हम लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हमारा देश अहिंसा का देश है, हम गांधी को मानने वाले देश है। भाई लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, हम पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाते रहे, लॉ एंड ऑर्डर सरकार मेंटेन करती रहे, दूसरी बात ये एक अजीब स्थिति से आ रहे हैं आप। एक हास्यास्पद बात सुन लीजिए आप, कोई भी आंदोलन या कोई भी अगर विपक्ष धरना देता है, कोई भी धरना होता है, उसके कार्यक्रम की सूचना पुलिस विभाग को दी जाती है। मैं तो कहता हूं अगर किसी भी प्रकार की पेंटिंग हुई है, किसी भी प्रकार की पत्थरबाजी हुई है, तो इसको तो सरकार घेरे में है, हम सरकार से मांग करते हैं दिनेश जी कि आप आंदोलन में इन उपद्रवियों को कैसे घुस गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं दिनेश जी की तरफ, मैं बहुत देर से जाने सका। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि क्योंकि सबका जवाब मुझे देना है तो दो दो मिनट या तीस तीस सेकंड लीजिएगा।
अभी सबसे पहले आम आदमी पार्टी के साथी बहुत चिल्ला रहे थे और आपने जो मूल सवाल दिया जरा बीच में नहीं बोला एक शब्द आपके बीच बाद आपकी तरफ मैं आ रहा हूं शब्द शब्द एक शब्द नहीं बोला मैंने आपकी तरफ आकर सवाल आ रहा हूं नहीं नहीं ठीक है जो आपने कहा बिल्कुल चिल्ला रहे थे किसी से पूछा जाता था आप बोलते थे मैं आपने कहा कि सरकार की प्राथमिकता क्या आपने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया कि क्या आपत्ति है प्राथमिकता मैं बताता हूं आयुष्मान भारत योजना लागू की गई जबकि आज का यह मुद्दा नहीं डिबेट का दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुई क्या ये प्राथमिकता नहीं थी आपकी किसान सम्मान निधि पूरे देश में लागू की गई क्या दिल्ली सरकार की प्राथमिकता नहीं थी आपकी प्राथमिकता ये है कि 4.5 साल तक कान में तेल डालकर सोते रहिए सुनिए मैं एक साथ आपसे जवाब लूंगा ऐसा चर्चा नहीं हो पाएगी आपको मैंने देश की सबसे बड़ी बकवास है आप उसको तो कोई पेंडी वाइज फोन पुलिस करने की वादे करेंगे आप हजारों रुपए को उधर फेंक देंगे अरे जो सबसे ज्यादा जरूरी है देश के अंदर दिल्ली के अंदर वो काम पहले होंगे या आप आखिर साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए मैं ये कह रहा था कि 4.5 साल तक कान में तेल डालकर सोते रहे केजरीवाल जी आप सुनिए फिर बोलो, अरे आखिर साहब आपको एक साथ बीमारी है क्या सब सुनते हैं आपको क्या बात सुनिए आप मैं ये कह रहा हूं कि 4.5 साल तक कान में तेल डालकर सोते रहे अब उठे हैं तो कह रहे हैं वाईफाई कर देंगे दिल्ली को अब उठे जरा सुनिएगा अब उठे हैं तो कह रहे हैं कि महिलाओं का टिकट फ्री कर देंगे अब उठे हैं तो हम 125 एलईडी लाइट लगा देते थे आप 4.5 साल क्या करते वो विषय नहीं विषय क्या है विषय क्या है इनके पार्टी के एक विधायक जिस तरह से दंगे भड़काने की बात करते हैं जिस तरह से लोगों को उकसाने की बात करते हैं और जिसके बाद ये दंगा हुआ एक बार भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने उसका विरोध नहीं किया नंबर एक दूसरा कांग्रेस की जरा सुन लीजिए अब हो गई आपकी बात कांग्रेस की साथी बात कर रहे थे आपकी एक एक बात हाँ बिल्कुल आप जामिया का बात करें आप बात कीजिए मैं एक एक बात नहीं ऐसे नहीं जवाब एक एक बात का जवाब ऐसे कैसे देंगे जब्बार साहब लेने दीजिए सर सर 30 सेकंड और जब्बार जी सर हाथ पकड़ लीजिए एक बात बोलिए जवाब दे दो ऐसे मैं जवाब दूंगा आपको दिल्ली ऐसे जवाब नहीं दिया जाता है टीवी टीवी क्या चर्चा अरे है और देश कहां से पकड़ लाते हैं जब्बार भाई सबसे बड़ी अचीवमेंट है पूरे आपके जो फॉलो कर रहे हैं ना मोदी जी दिल्ली के विकास की जो गति है और दिल्ली के अंदर जो काम किए उनको फॉलो कर पूरे पूरे देश में वही चीज कर रहे हैं फॉलो कर करके 30 सेकंड और जब्बार जी कि जामिया में मैं 5 दिन से मैं वहां पे मौजूद हूं अरे मैं मत करिए जरा रुक जाइए मैं 2 मिनट शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और उसके बाद चौथे दिन ये मेरे सामने की बात है जिनसे जितना बोलना पहले बुलवा लीजिए अरे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे सब छात्र छात्राएं यंग लोग थे उनके पीछे डंडे लेके तो पुलिस फोर्स आई और डंडे लेके तो आप तो पीछे भी डंडे लेके जाएंगे और मार मार के लड़के बैठिए उसके बाद पूजा करेगी हॉस्टल में पुलिस ने हाथ जोड़ के मारा हॉस्टल में पुलिस ऐसे नहीं जाएगी शर्म आती है शर्म आनी चाहिए आपका विधायक ऐसी बात करता है शर्म आनी चाहिए उसके बाद लाइब्रेरी में शर्म आपको ना शर्म हया ना आपके पास देश में दुनिया में वीडियो उसके वायरल जब बात जी उसके बाद आपने जो किया है फिर एक तो ऑडियो इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट आखिर साहब आपके जो तमाम आरोप हैं वो भी सवाल की शक्ल में अरे सर कैसे बातें कर रहे हैं सर आपकी बात आ गई है आपके जो सारे आरोप हैं आपके जो सारे सवाल हैं वो इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है पुलिस उसको भी देख रही है आखिर साहब पुलिस उसको भी देख रही है मगर दिनेश जी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में जो कुछ हुआ पुलिस का एक बर्बर चेहरा वो भी थोड़ा सा दिखा है एक सेकंड अरे आखिर साहब आपकी शंका जो थी मैंने वो रख दिया ठीक है सर जवाब ले लीजिए सर मुझे कई सारे लोगों की तरफ जाना अभी आखिर साहब हो गया वो सुनिए जब्बार जी मैं ये कह रहा था हम आपका सवाल का जवाब देंगे 10 सेकंड में मैं कह रहा दूसरी बात कांग्रेस पार्टी करे एक किसके वाले हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं अभी मनोज जी खुद कह रहे थे जब फिर आप बोले आपकी बात बोल रहे हैं अरे आखिर साहब क्या हो गया बोल लेने दीजिए दुनिया देख रही है बोल लेने दीजिए दूसरा जब्बार जी कांग्रेस के साथ ही कर रहे हैं ये हमेशा किसके साथ जेएनयू के लड़के बुरे नहीं है जामिया के लड़के बुरे नहीं है ये खड़े किसके साथ होते हैं जो लोग वहां का देश के राहुल गांधी जो देश के जरा सुनिए ना सुनिए जो देश के तोड़ने की बात करते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े होते हैं
और प्रियंका गांधी जो बसों को जलाते हैं उनके, और उसमें किस कौन जाता है, इंडिया गेट पे कौन जाता है? जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर जाता है। वो जगदीश टाइटलर कौन है? 84 दंगों का आरोपी। मैं एक एक कमेंट लूंगा सर, चर्चा का बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं एक एक कमेंट लूंगा धर्मवीर चौधरी जी, एक सेकंड सर। मैं आपके इधर आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी, क्या बीएसपी, क्या बीएसपी देश में अमन कायम रहे, इस मुद्दे की देश को सही बिंदुओं को पहुंचाने का काम करेगी? धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी, अब तक जो हुआ सो हुआ। मैं सर आ रहा हूँ सर, एक लाइन से, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं एक एक कॉमेंट लूंगा सर, सर मैं एक एक कॉमेंट सबसे लूंगा, सर मैं एक एक कॉमेंट सबसे आपसे भी लूंगा। ठीक है, जल्दी से मनोज जी, जल्दी से मनोज जी, मनोज जी जल्दी से, जल्दी से दिनेश जी, सुनिए दिनेश जी, दिनेश जी, आपको जानता हूँ दिनेश जी, दिनेश जी, गृह मंत्री मुझे पता, जिसको ये जानकारी नहीं है कि 1857 के दूरों को सावरकर जिसको 35 का नहीं पता है, मुझे पता है कितने को देखता हूँ कि 500 का नहीं पता है। मैं सुनिए, अब मेरी बात का जवाब सुनिए, नहीं सुनना रहा मेरी बात का जवाब सुनिए। सिर्फ आग लगाने का काम आपको बताता हूँ, आग लगाने का काम करे, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको माफ नहीं करेगी। एक और एक ही नीति है, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। ठीक है, इनको बताता हूँ, ठीक सर जल्दी से। अंग्रेज के दलाली करने वाले लोग, आप लोग सर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, आप किसी और दिन तमाम चीजों पर चर्चा कर लेंगे। सर एक सेकंड, सर मनोज जी इसी पर रहिए ना, इसी पर रहिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मनोज जी, विश्वेंद्र जी एक सेकंड, मनोज जी आखिर साहब, आखिर साहब, मनोज जी एक सेकंड, सर सर चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से छोटा छोटा कमेंट लीजिए जी, विश्वेंद्र जी एक सेकंड, विश्वेंद्र सर, मनोज जी प्लीज सर, सर थोड़ा पानी वानी पीजिए, थोड़ा नॉर्मल कीजिए सर, सर इतना चिल्लम चिल्लने को जी, विश्वेंद्र जी वक्त खत्म हो रहा है, समझे। एक तो सभी पार्टी से निवेदन है कि वे देश में अपील करें, जितना जोर यहाँ लगा रहे हैं, और अपनी जो अक्षमता है या जो माध्यम है उससे देश की जनता को समझाए कि देश को नुकसान ना पहुंचाए, पहली ये अपील। दूसरा, मेरे भाई ने कहा, तिवारी जी ने, कि चौथा स्तंभ, जब्बार भाई पहले आरोप लगते रहे मीडिया पे, आज भी लग रहे हैं, तो चौथा स्तंभ पर आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन सच ये है कि सच को जब कहा जाता है तो बुरा लगता है। आज विपक्ष को स्पेशल तौर पर ध्यान देना चाहिए कि देश ना जले, उसको तो बचाना चाहिए, कानून को समझना चाहिए। सर लगाने दीजिए आरोप, लगाने दीजिए किसी को आरोप, सबका अपना 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 दायित्व है, राइट है, अधिकार है, उसका इस्तेमाल करें, एक अलग बात है झूठ सच में मिला करके। ठीक है, एक सेकंड धर्मवीर जी, क्या क्या ये अपील नहीं की जानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के जरिए? कानून को, विभाजनकारी कानून को, असंवैधानिक कानून को, महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि ये सरकार तुरंत वापस ले, जिससे इस देश में अमन चैन कायम हो सके। ठीक है मनोज जी, भाई को लड़ाने का, मनोज जी सबसे ज्यादा आपने बोला है, सबसे ज्यादा आपने बोला है, मनोज जी सबसे ज्यादा आपने बोला। सर आखिरी कमेंट मुझे लेने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, प्रेम जी एक सेकंड, अकल साहब एक सेकंड, ठीक है सर, आवाज नहीं जा रही सर, टीवी पर आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है सर, सर आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है टीवी पर सर, एक सेकंड, प्रेम कुमार जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक और वायलेंस फैलाना ये उनका इरादा है। प्रेम कुमार जी सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या सरकार से भी कहीं चूक हुई कि पूरे तौर पर सही तौर पर मुसलमानों को समझा नहीं सके? देखिए प्रेम जी,
अरे सर प्रेम कुमार जी को सुन लीजिए, बहुत माफी के साथ आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत माफी के साथ प्रेम कुमार जी और पवन सोम जी, आप दोनों की तरफ मैं आखिर में आ नहीं सका, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, प्रेम कुमार जी की तरफ मैं आ नहीं सका, पवन जी की तरफ मैं आ नहीं सका, आप लोगों ने वक्त निकाला। सवाल यह है कि जब स्टूडियो में इतनी गर्मी है और इस बहस में इतनी तलखी है तो फिर सड़कों पर वो लोग जिनके इमोशंस भड़के हुए हैं जाहिर तौर पर उनके अंदाज क्या होंगे, और जिस तस्वीरों को और जिन चीजों को हमने आपको लगातार दिखाया है, अब पुलिसिया जब कार्रवाई होती है तो फिर यह भी उठता है कि फिर पुलिस का ऐसा बर्बर चेहरा क्यों, मगर फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था उसे सही तौर पर कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि जनता तक सही मैसेज जाना चाहिए, क्या सरकार भी यहां सही मैसेज पहुंचाने में या सही इसका एक्सप्लेनेशन करने में मुसलमानों तक खास तौर पर नाकाम रही है, या फिर उसी का फायदा उठा करके विपक्षी दल इसे अपने नजरिए से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में सब कुछ देखना सुनना समझना आपका काम है, क्योंकि देश जितना बीजेपी कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का है उससे कहीं ज्यादा आपका है, क्योंकि आप टैक्स देते हैं और उसके बदले में राजनीतिक पार्टियां सरकार में आकर के सर्विस आपको देती हैं, इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान कतई ना पहुंचाए, हमारा आप सबसे यही निवेदन है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए आर9 टीवी। इस काले कानून को कभी भी लागू नहीं होने देंगे। नागरिकता संशोधन कानून ना किसी भारतीय का अधिकार छीन